धन्यवाद सर। महामहिम राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति बनने के बाद में जो पहला अभिभाषण हुआ संसद में, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बात करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं सिर्फ 3-4 मुद्दों को स्पर्श करूँगी, क्योंकि बाकी सभी सदस्यों ने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे बोल दिए हैं। शुरुआत करूँगी मैं 4 लाइनें बता के कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, जो कहीं और आग वो सुलगनी चाहिए। हमारा हंगामा खड़ा करने का विपक्ष का मकसद कभी भी नहीं था, और जो तस्वीर की बदलने की भाषा हम करते हैं, वो तस्वीर को बदलने का अगर काम किसी ने शुरू किया, वो हमारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान, दादाजी आप सुनिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान मुझे गर्व है कि एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से मैं आती हूँ, जिनके नाना जी 1916 में गदर मूवमेंट में फांसी पर लगाए गए थे, चढ़ाए गए थे, उस परिवार से मैं आती हूँ। तो मुझे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ज्यादा महत्व है, और इस कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका बजाई है, ये मुझे यहाँ बताना चाहिए। तिलक हो, गोखले हो, जो महाराष्ट्र से आते थे, गांधी जी है, नेहरू जी है, मौलाना आजाद जी, सरदार पटेल जी, कितने नाम गिने हम जो कांग्रेस से जुड़ के स्वतंत्रता आंदोलन में चले रहे, और जो सरदार पटेल जी का नाम आज ये लोग लेके आते उसका डंका बजा रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि सरदार पटेल जी ने ही गोलवलकर गुरु जी को एक चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि समाज का एक समूह, एक विचारधारा गांधी जी की हत्या हो, इसका वातावरण तैयार करने में लगी है। कौन संगठन है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इन लोगों को अच्छे से मालूम है। नेहरू जी ने इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का शुरुआत किया, मजबूत करने का कोशिश की, और मुझे ये कतई कहने में कतराना नहीं होता है कि, और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तरफ से 2 कैंडिडेट हमारे चुनने के लिए खड़े थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, जिसमें बीआर अंबेडकर एक थे और दूसरे मंडल थे, जिसमें मंडल जी चुन के आ गए, लेकिन हिंदुस्तान का विभाजन हो गया और वो सुरावर्दी के गवर्नमेंट में पाकिस्तान चले गए, और हमारे अंबेडकर जी वहां पे उनका पराभूत होना पड़ा। अंबेडकर जी के जब पराभूत हुए, आप आगे सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, जब अंबेडकर जब पराभूत हो गए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी ने एक लेटर, तब के हमारे महाराष्ट्र के जो बीजी खर करके हमारे मुंबई प्रांत के सीएम थे, उनको लिखा कि अगर अंबेडकर जी को हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाना है तो वहां पे आप जगह कर दीजिएगा। और मैं बहुत अभिमान के साथ कहना चाहूंगी कि हमारे ही मुंबई प्रांत के, हमारे ही महाराष्ट्र के मिस्टर जयकर, एमआर जयकर, उनकी जगह पे उनको फिर चुन के उन्होंने रेसिग्नेशन दिया, और वहां उस जगह पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आके चुन के आ गए, और वहां पे उन्होंने घटना लिखने का काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत कर दिया संसद में। सर, इन लोगों की तो ये अपेक्षा थी, उनका तो ये माहौल बनाने का काम चल रहा था कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास शिक्षण है, वही लोग सिर्फ वोटिंग करें, लेकिन उसको विरोध किया। पहली बार हमारे पंडित नेहरू जी और उनके सभी साथियों ने विरोध किया 1937 में। सर, मैं एक रिकॉर्ड पे बताना चाहती हूँ कि 1937 जब पहली बार चुनाव हुए हिंदुस्तान में, उसमें मेरे पिताजी चुन के आए थे सातारा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और तब मतदान कौन करता था? सिर्फ सारा भरने वाले व्यक्ति, जो सारा टैक्स भरता था वही मतदान करता था। जब अंबेडकर जी ने घटना बनाना शुरू किया, उन्होंने सभी लोगों को, महिला सभी सहित सभी लोगों को वहां पे मतदान का अपना अधिकार दिया, और ये मैं यहाँ पे नमूद करना चाहती हूँ। सर, लोकशाही का जो मंदिर जिसको बोलते हैं, वो हमारे नेहरू जी ने बोला, जब भाखड़ा नानगल का जब बांध बांधा गया तो उन्होंने ये बोला कि आधुनिक लोकशाही का मंदिर अगर कोई है तो ये बांध है, और इसकी शुरुआत, उसकी नींव, हिंदुस्तान की नींव अगर किसी ने रचाई है तो पंडित नेहरू ने रचाई है, इसमें कोई भी शक नहीं करेगा। आईआईटी हो, आईआईएम हो, रशिया ने भी हमें साथ दिया, और आईआईटी आईएम यहाँ पे, नवरत्न कंपनी हो, ये सब यहाँ पे लगाने का कोशिश और हिंदुस्तान का नवनिर्माण करने की कोशिश पंडित महात्मा नेहरू ने की। शास्त्री जी आए, शास्त्री जी ने यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा लगाया। इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा जी आंधी की तरह
एक के बाद एक डिसीजन लेके गई और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सर्वसामान्य लोगों के लिए, गौर गरीबों के लिए, जहाँ पे बैंकों में खड़ा नहीं करने देते थे वहाँ पे द्वार खुलने के काम अगर किसने किए हैं वो इंदिरा गांधी जी ने किए हैं। राजीव गांधी के लिए तो बताना मेरे लिए अहम भाग्य का क्षण है, क्योंकि राजीव गांधी जी जो व्यक्ति थे जिनकी 33% रिजर्वेशन, जिनको 73rd अमेंडमेंट से, आज हमारी जैसी जिला परिषद से आई हुई महिलाएं भी यहाँ पे राज्यसभा में अगर बात कर रही है तो सिर्फ राजीव गांधी के दूरदृष्टि को हमें उसका श्रेय देना चाहिए। 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी जिसको बोलते हैं, उसमें ले जाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। 18 साल के बच्चों का मतदान करने का अधिकार भी राजीव गांधी जी ने हमें दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, 10 साल में सर, 10 साल में जितने निर्णय हो गए उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन RTI एक्ट जिसका उन्होंने कम कर दिया बजट में, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, 33% रिजर्वेशन, ये सब मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ है। और सोनिया गांधी जी की आग्रह से राज्यसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पारित कर दिया। लेकिन अभी मैं आज सुबह भी इसके ऊपर बोली हूँ कि अगर इनकी राष्ट्रीय इच्छा शक्ति हो, उनके मन में खोट ना हो, उनके इरादों में खोट ना हो, तो लोकसभा में इनके लोग, बहुत सारे लोग चुन के आए हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि हमारे लोग चुन के आए हैं, इसलिए उनकी जो आत्मविश्वास बढ़ गया है, उन्होंने 33% रिजर्वेशन देना चाहिए। सर मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये हमेशा बोलते रहते कि 60 साल में कुछ नहीं किया, मैंने थोड़े ही बहुत समय की पाबंदी है इसलिए 2-3 मिनट में मैंने गिनवा दिया कि हमने क्या क्या इस गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर का मुझे याद है, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा टनल, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टनल, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और जब वो वहाँ पे चले गए UPA की सरकार में वो टनल बना, उद्घाटन किया मोदी जी ने और भाषण मोदी जी ने किया कि 60 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ है, जहां पे खड़े होके टनल का उद्घाटन कर रहे हैं उसी टनल के बाजू में खड़ा रहे के वो बोलते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं किया। जरूर मैं मोदी जी के मन से सहमत हूँ कि 60 साल में कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया, 3.5 साल में आप जो कर सके वो हम नहीं कर पाए। आपने लोगों में लड़ाया, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या लिखना है, क्या देखना है, इस सब के ऊपर पाबंदी और रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम मोदी जी ने किया, वो हमने 60 साल में बिल्कुल कभी नहीं किया। सर किसानों के बारे में क्योंकि मैं किसान परिवार से आती हूँ, किसानों के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। सर किसानों के लिए राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में बोला कि 1.5 गुना MSP देने का निर्णय कर लिया है, डॉक्टर स्वामीनाथन का ही रिपोर्ट था, और उसको लागू करने की आवश्यकता बिल्कुल है, क्योंकि आज जिस क्षेत्र से हम सब लोग आते हैं, महाराष्ट्र से पवार साहब यहाँ बैठे हैं, 13,000 लोगों ने 3.5 साल में आत्महत्या कर ली है। परसों ही हमारे धुलिया के धर्मा पाटिल करके एक किसान है जिसने मंत्रालय में मुख्यमंत्री के दालन में जाके उसने विष प्राशन कर दिया और आत्महत्या कर दी। तो मुझे लगता है कि अगर आपका सही मनीष है कि किसानों को राहत दी जाए, तो किसानों के राहत दुगना होने के लिए उनके खाते में उनके एक तो कर्जा मुक्ति होनी चाहिए और दूसरी उसके लिए प्रावधान करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। 2020 में ये हिंदुस्तान हमारा सबसे युवा देश होने वाला है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे हिंदुस्तान में होने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया था 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन 2 लाख लोगों को भी 3.5 साल में उन्होंने रोजगार देने की कोशिश नहीं की, उल्टा हमें अभी हमारे बच्चों को उल्टा बोल रहे हैं कि ये बेचो वो बेचो। मुझे लगता है कि हमारा देश का आदमी, देश का तरुण गरीब जरूर है, लेकिन आत्मसम्मान कभी वो बेचेगा नहीं। इतना ही कहूँगी लास्ट में, अंत में इतना ही बोलूँगी कि राष्ट्रपति जी ने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम करके उन्होंने शुरुआत की, लेकिन आज देश में जात के ऊपर, मजहब के ऊपर, हर प्रदेश के ऊपर, लिहाज के ऊपर, खान पान के ऊपर, हर चीज में झगड़े चल रहे हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में भीमा कोरेगांव की घटना हुई, और ये घटना ये अधोरेखित करती है कि लोगों में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। एक सिर्फ 2 लाइन में बोलूंगी, एक आधा मिनट सर, एक लाइन बहुत अच्छी पड़ी थी, When I crossed my street, they asked my caste. Okay. I crossed my district, they asked my religion. I crossed my state, they asked my language. I became an Indian only after I crossed my country. इसी के साथ ही मैं अपना भाषण खत्म करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद रजनी पटेल जी, धन्यवाद। Now